हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल दोस्तों, टेक बास्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हम किसी टॉपिक को सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो वही टॉपिक कैसे आ जाता है दोस्तों, जैसे कि हमने किसी टॉपिक को सर्च किया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो जैसे ही हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं लिख करके सर्च करते हैं तो हमारे सामने कई सारे वीडियोज़ उसी रिलेटेड टॉपिक पर आ जाते हैं दोस्तों। तो न दोस्तों ये सब होता कैसे है, तो दोस्तों ये होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों। गूगल के बाद यूट्यूब एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है दोस्तों। जो टैग हम डालते हैं दोस्तों, अगर वही टैग अच्छे से हमने लगाया तो हमारे वीडियोस सर्च करने पे आते हैं। जो लोग सर्च करते हैं जिनको जिस टॉपिक की ज़रूरत होती है वो लोग वही टैग वहाँ पे डालते हैं और वो वीडियो वहाँ पर यूट्यूब उनको दिखाने लगता है दोस्तों। तो यही होता है टैग का काम दोस्तों। तो हमें टैग कैसे लगाना है इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला जिसमें हमने क्वेश्चन किया कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर 86% लोगों का यही जवाब था कि टैग कैसे लगाएं। तो दोस्तों सभी को यही जानना है कि टैग कैसे लगाएं, क्योंकि नए क्रिएटर जो भी है उनको टैग लगाना नहीं आता। टैग लगाने का सही तरीका क्या होता है वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि अहम रोल टैग का ही होता है। आप अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं अगर टैग सही से नहीं लगाओगे तो आपका वीडियो सजेस्ट पर नहीं जाएगा, ब्राउज फीचर पर नहीं जाएगा, सर्च पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से टैग लगाया तो आपका वीडियो सजेस्ट पर भी जाएगा और ब्राउज फीचर पर भी जाएगा और सभी के चैनल पर रिकमेंड भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से टैग लगाएं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मैंने Y2 स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो ऑटोमेटिक सबटाइटल जनरेट कैसे करें दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों मैंने टैग लगाया तो टैग की वजह से ये वीडियो सजेस्ट पे भी चाह रहा है दोस्तों। जैसे ही हम एनालिटिक्स पे जाएंगे, एनालिटिक्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये वीडियो काम कर रहा है यूट्यूब पर। दोस्तों आपको सारा सब कुछ दिखाने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों वीव्स कहाँ से आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला ब्राउज फीचर पे 5 वीव्स आ रहा है, सजेस्ट वीडियो से चल रहा है, यूट्यूब सर्च पर भी ये वीडियो जा रहा है दोस्तों और चैनल पेज पर भी जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके ये टैग काम कर रहा है दोस्तों। और आपको दिखा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर रीच पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी आपको दिखा सकता है कि 38% ब्राउज फीचर से चल रहा है, 23% सजेस्ट पे चल रहा है, 15% यूट्यूब सर्च चल रहा है। ये सारा काम टैग की वजह से हो रहा है दोस्तों। अगर सही टैग से लगाए होते ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इन टैग की वजह से ये सजेस्ट पर चल रहा है वीडियो। तो दोस्तों इन वीडियो के बीच में ये वीडियो चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका भी वीडियो चल सकता है अगर आप सही से टैग लगाएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि टैग कैसे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हमने टाइटल पर लिख दिया है 3 टैग लगाए हैं मैंने। 3 टैग कौन कौन से लगाए हैं, टैग कैसे लगाएं यूट्यूब, हाउ टू ऐड टैग टू योर यूट्यूब वीडियो दोस्तों। दोस्तों अब क्या करना है ध्यान से देखना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे कैसे टैग लगाने हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर कॉपी कर देना है दोस्तों, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कीवर्ड दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड, कीवर्ड्स लिखने के बाद दोस्तों इसको एंटर करके नीचे आ जाए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है बस इसको यहीं पे छोड़ देना ऐसे ही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें हैशटैग लगा देना है दोस्तों। टैग जैसे कि दोस्तों यहाँ से लगा देने हैं 4-5 टैग लगा देने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 300 होते हैं टैग, हमें ज़्यादा टैग नहीं लगाने हैं। लिमिट होती है 15 टैग की, 15 टैग से हमें कम ही लगाने हैं दोस्तों। कोई हमने देखे कई चैनलों पर भर के लगा देते हैं 10-20 टैग लगा हैशटैग लगा देते, लेकिन नहीं दोस्तों हमें सिर्फ 6-7 टैग लगाने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। मैं एक डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को, तो दोस्तों ध्यान से देखना कि इस तरीके से आपको टैग लगा लेने दोस्तों। जैसा कि टैग लगा लिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और इसको यहीं से अपलोड कर देंगे दोस्तों। जैसे ही ये अपलोड हो जाता है मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, देखते रहना टैग कैसे लगाना है दोस्तों।
अपलोड हो रहा है यूट्यूब पर, तो उसको होने दीजिए। तब तक हमें काम क्या करना है कि टैग कैसे ढूंढने हैं दोस्तों, टैग कैसे, दिमाग लगाना पड़ेगा कि टैग कहाँ से लाएं। तो दोस्तों बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, बस वही ट्रिक आपको आजमाना है दोस्तों। आपको यहाँ सीधे सीधे सर्च पे जाना है, सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको टैग कैसे लगाएं। दोस्तों जो आपका टाइटल है उसी टाइटल को यहाँ पे लिखना है दोस्तों। जैसे ही आप इतना लिखोगे टैग कैसे लगाएं, दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे टैग्स आ चुके हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे टैग्स आपको मिल चुके हैं दोस्तों। ये जो टैग्स हैं ये सारे टैग्स आपको मिल चुके हैं दोस्तों। बस इनको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, जैसा कि दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको सर्च करते हैं कि इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत लोग इसको इंग्लिश से भी सर्च करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश से भी सर्च करेंगे, तो हाउ टू ऐड टैग। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश से भी सारा आ गया है, हाउ टू ऐड टैग टू योर यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों इसी को भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। सिंपल सा था दोस्तों, हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आगे स्टेप देखिए करना क्या है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं बाहर, और दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा वीडियो अभी भी अपलोड हो रहा है दोस्तों। उसको होने दो, तब तक हम अपने कीवर्ड तैयार कर लेते हैं दोस्तों। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा एक ऐप के पास, एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। वो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा दोस्तों, उसका नाम है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन दोस्तों। इस ऐप को अपलोड कर लेना है आपको कहाँ से, प्ले स्टोर से। ये एकदम फ्री है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमने स्क्रीन शॉट ली है उनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे दोस्तों। कैसे कॉपी करेंगे, आप देख सकते हैं ये ऐप किसी भी स्क्रीन शॉट को एडिट कर सकता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर गैलरी पे जाएंगे, और गैलरी पे जाने के बाद दोस्तों इसको ओपन करेंगे गैलरी को, और गैलरी को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने स्क्रीनशॉट ली थी इन्हीं स्क्रीनशॉट को यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट को लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस जगह क्रॉप पर जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद जितना टैग है उतने टैग को यहाँ से हमें क्रॉप कर लेना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसको हमने क्रॉप कर लिया है, इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से एक बार ओके कर देंगे, और यहाँ पे विदाउट चेंज पे कर देंगे दोस्तों। दोस्तों एक फाइल जो, एक पेज जो था हमने जिसको लिया था वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया दोस्तों। दूसरा भी कर लेते हैं, जो हमने इंग्लिश से टैग लिए थे, स्क्रीनशॉट लिया था, उसको भी यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद दोस्तों उसको भी इसी तरीके से क्रॉप कर लेंगे दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको कीवर्ड भी लगाना आ जाएगा। कोई भी मेहनत का काम नहीं है, आपको सिर्फ जो लोग सर्च करते हैं वही टैग है यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग सर्च करते हैं वही यूट्यूब यहाँ पे टैग कीवर्ड्स दिखाता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों ओके कर देंगे, और यहाँ से इसको भी सेव कर लेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि सभी के फ़ोन पर नोट पैड ज़रूर होगा, अगर नोट पैड नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से वो भी डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे कीवर्ड है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से जाएंगे मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने नोट, ये हमारा नोट है, इस पर प्लस पे जाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, और टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से पेस्ट कर दिया दोस्तों। दूसरा जो था उसको भी यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और जो हमारा दूसरा था पेज उसको भी यहीं से कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ से खोलेंगे और इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और नोट पैड पर अपने पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ध्यान से देखते रहना, बस ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये हमारे मिल गए टैग। अब क्या करना है दोस्तों कि
अब इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम चलते हैं यूट्यूब पर अपने और देखते हैं, यूट्यूब हमारा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। यूट्यूब का वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर चलना है दोस्तों। तो जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद आपसे आपको दिखाते हैं, मिलते हैं गूगल क्रोम पर। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और गूगल क्रोम पर अपने यूट्यूब को ओपन कर दे, यूट्यूब चैनल को ओपन कर दे दोस्तों। यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं ये हमारे चैनल की प्रोफाइल आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखना, योर चैनल पर जाना है। योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये कस्टमाइज चैनल पर जाना है। कस्टमाइज चैनल के पास दोस्तों यहाँ पर आपको YT स्टूडियो पर ले जाएगा आपको डायरेक्ट। YT स्टूडियो जैसे ही आपका खुल जाएगा तो आपको उसी वीडियो कंटेंट पे जाना है जो आपने अपलोड किया है अभी दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि ये दोस्तों studio.youtube.com पे खोल दिए है पेज को। अब यहीं पे डायरेक्ट हम जाएंगे और यहीं से अपने वीडियो पर कीवर्ड्स टैग्स सारे लगाएंगे दोस्तों। कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान से देखना, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये पेज खुल गया है। अब हम यहाँ जाएंगे कंटेंट पे। कंटेंट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा वीडियो आ रहा है, जो हमने वीडियो अभी अभी अपलोड किया है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीडियो अभी अभी हमने अपलोड किया है। इस वीडियो पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी हमने लगाया था वही टैग लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे अभी कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें नोटपैड पे जाना है जहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स को कॉपी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों उस पर जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये, यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इसको हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, सारे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है दोस्तों। ये दोस्तों हमने पेस्ट कर दिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों हमारे टैग लग चुके हैं दोस्तों, हैशटैग भी लग गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने लिंक लगा लेना है सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम का लिंक लगा लेना है, फेसबुक का लिंक लगा लेना है, जो भी आपके सोशल मीडिया के लिंक हो वो भी आपको यहाँ पर लगा लेने हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आ रहा है शो मोर दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं शो मोर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टैग का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं टैग का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो अब टैग कैसे लगाने हैं ध्यान से देखना दोस्तों, इसको सेव कर देते हैं यहीं पर। सेव करने के बाद अब हम टैग कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो टैग लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें जाना है गूगल पर दोस्तों। एकदम सिंपल तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, और एक तरीका ये भी बता देता हूँ कि अगर यही सही टैग लगाना हो तो आपको क्या करना है, इसमें इसी जो नोट पैड में है इन पे आपको क्लिक करना है और इसमें सब में कॉमा लगा देना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये है, इस पे सारे में कॉमा लगा देना है। जैसे ही आप कॉमा लगा देंगे दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ से कॉपी करने जाना है और यहाँ से इतने जितने आपको लगाने हैं, जैसा कि इसमें हमने कॉमा लगाया दो में, तो दो को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जैसा कि दोस्तों दो को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद दोस्तों टैग पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पे टैग पे आएंगे और टैग पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं हमारे दो टैग लग गए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से भी आप टैग लगा सकते हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन पे लगाया है वहीं से आप टैग भी लगा सकते हैं, कॉमा लगा करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, टैग लग जाएगा। एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ एकदम, कि जहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। कैसे करना है ध्यान से देखना दोस्तों, इतने अच्छा वीडियो लाता हूँ फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जवाब जरूर दे देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने, जैसा कि दोस्तों हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे रैपिड टैग दोस्तों, रैपिड RAPID टैग TAG टैग दोस्तों, रैपिड टैग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर आएगा उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। सबसे ऊपर लिख कर आ रहा है यूट्यूब टैग जनरेटर एंड ऑप्टिमाइज़र रैपिड टैग दोस्तों, तो दोस्तों इसी पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। सिंपल से जैसे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमें
टैग ढूंढकर ला देगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे टैग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे टाइटल लिख देना है, जो भी हमारा टाइटल है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमारा टाइटल था टैग कैसे लगाएं, टैग कैसे लगाएं, इतना लिख करके इसको सर्च कर देना दोस्तों। जैसे ही इतना सर्च किया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमें टैग मिल गए दोस्तों, कितने सारे टैग मिल गए दोस्तों। हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नीचे जाएंगे और नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें दोस्तों, देख सकते हैं ये कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जाके कॉपी कर देंगे दोस्तों, ये कॉपीड हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा आना है क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे हमने टैग लगाने हैं दोस्तों, बस यहाँ पे आना है और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देना है सिंपल सा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि सिंपल सा आपको कैसे पेस्ट करना है। जैसे स्टूडियो youtube.com खुल रहा है, ये खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे सोमोर पे, सोमोर पे जाने के बाद दोस्तों टैग पे जाएंगे, ये वाले टैग पे जाएंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों इस टैग पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे सारे टैग यहाँ पे लिख चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, वहाँ से सिर्फ कॉपी करना है गूगल से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जा करके इसको सेव कर देना है दोस्तों, बस काम ख़त्म दोस्तों। टैग हमारे लग गए, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड लग गया दोस्तों। दोस्तों अब हमारा वीडियो सर्च पे जाएगा 100% जाएगा दोस्तों, बस इतना सा काम आपको करना है दोस्तों। उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है अनलिस्टेड से, लेकिन मैं नहीं पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ आपको इस तरीके से टैग लगाने हैं, कीवर्ड्स लगाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको टैग लगाने का सही तरीका पता चल गया होगा दोस्तों, कितना सिंपल तरीका मैंने बताया कि आप कॉपी करके सिर्फ आपको पेस्ट करना है और टैग और कीवर्ड आपके रैंकिंग वाले मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी में बैठ कर देख सकते हैं, पसीना भी निकल रहा है। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे नए नए यूट्यूब पर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।